मुख्तार अंसारी, खासकर जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है, उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों, उत्तर प्रदेश की माफियाओं की बात होती है, तो मुख्तार अंसारी का नाम जरूर उसमें आता है। और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी मौत को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने आप को जहर देने की बात की थी, जेल प्रशासन पर आरोप लगाए थे। उसके बाद हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करवाया गया था और अब कहा जा रहा है कि इनकी हृदयाघात से, कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ हो गई है। तो आज हम लोग मुख्तार अंसारी के बारे में जानने वाले हैं। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। ये आप देखिए, इनकी पत्नी है, इनके बेटे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। और आप देखिए, इनकी पत्नी ये है, ये मुख्तार अंसारी हैं। ये आप देखेंगे, इनके भाई अफजल अंसारी हैं। और ये आप देखेंगे, इनके दोनों बेटे हैं मुख्तार अंसारी के। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा मानते हैं, बहुत सारे लोग माफिया मानते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग इन्हें नापसंद भी करते होंगे। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुबहान उल्ला अंसारी, माँ का नाम बेगम राबिया। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है और उसके उसकी पत्नी का नाम अफसान अंसारी। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी। अब्बास अंसारी वर्तमान में विधायक हैं, एमएलए हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर से इन्होंने की हुई है। 1984 में बीए की डिग्री हासिल की थी इन्होंने। और इनका क्राइम की दुनिया में पहली बार नाम आया था 1988 में। मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। और इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी, इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया था। माफिया डॉन ब्रिजेस से भी इनकी काफी दुश्मनी रही है। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया और अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर ये हैंडल करना शुरू किया था इन्होंने। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया था। 1996 में मुख्तार पहली बार बार एमएलए बने, यानी कि विधायक बने। और आपको बता दूं कि अगर आपको विधायक बनना है, विधायकी का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1997 में आप देखेंगे, पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रोंगटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में देश में छा गया था। और आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया था। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे, ब्रजेश सिंह घायल हो गए थे। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे और 2005 से हैं जेल में बंद। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की थी। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे थे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तभी से वे जेल में हैं। और इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार का पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अति कुर रहमान और बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। और 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा था।
मौर मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार उनके दोनों भाइयों को 2010 में वासापा से निष्कासित कर दिया गया था, मायावती की पार्टी से। क्या था कृष्णा नंद राय मर्डर केस, ये भी जान लीजिए। 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे और इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णा नंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेराम गोली मार दी गई थी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। और इसी हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था, और उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। और 2008 में अब देखिए अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी भी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया और उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और मुख्तार की हत्या के लिए दी गई थी 6 करोड़ की सुपारी। तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े रहे 2007 से 2017 तक, फिर 2010 तक, 2017 में भी ये जुड़े रहे। स्वतंत्र कौमी एकता दल से भी जुड़े रहे। अगर राजनीतिक दल की बात करें यानी कि राजनीति सफर की, तो 1996 में बहुजन समाज पार्टी से के टिकट पर मऊ से विधायक बने थे। 2002 में मऊ से निर्दलीय विधायक बने। जेल में बैठकर आप देखते हैं कि ये विधायक का चुनाव जीते हैं। 2007 में मऊ से निर्दलीय विधायक बने। 2009 में बासपा के टिकट पर बनारस से लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर मऊ से विधायक बने थे। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बने थे और इनके अब बेटे विधायक हैं यहाँ से। इनके विवादों की बात करें तो आपराधिक धमकी से संबंधित 7 आरोप, हत्या के प्रयास से संबंधित 5 आरोप, हत्या से संबंधित 5 आरोप, मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति की बेईमानी से दुरुपयोग से संबंधित 2 आरोप, और धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित 2 आरोप, मूलवान सुरक्षा वसीयत आदि की जालसाजी से संबंधित 1 आरोप, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित 1 आरोप इन पर है, और एक आरोप स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित, दंगे के लिए सजा से संबंधित 6 आरोप, आपराधिक साजिश की सजा से संबंधित 6 आरोप, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने से संबंधित 4 आरोप, और सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के दोषी गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित 4 आरोप, लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल से संबंधित 3 आरोप, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अधिनियम से संबंधित 2 आरोप, इस सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित 2 आरोप, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित 1 आरोप, यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है तो दुष्प्रेरण की सजा से संबंधित 1 आरोप, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित 1 आरोप इन पर 20 आप देखेंगे 23 सितंबर 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 1999 में लखनऊ जिला जेल के एक जेल अधीक्षक की हत्या से संबंधित मामले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले 2 दिन पहले उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, और 19 साल पहले एक जेलर को आपराधिक तरीके से धमकाने के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और 14 दिसंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक अदालत में पेश किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। वह उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद थे, और 29 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमएलए अदालत ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णा राय नंद के अपहरण हत्या मामले में दोषी ठहरा था, 10 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट में अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 5 जून 2023 को वाराणसी की एक अदालत ने उन्हें 35 साल पुराने अवधेश राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की अजय राय के घर बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अंसारी को 1990 के फर्जी हथियार लाइसेंस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये भले ही आप देखते हैं इनके विवाद हैं। मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उनके पारिवारिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है।
मुख्तार अंसारी के दादा आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दादा का नाम इनके मुख्तार अंसारी ही था और जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। गाजीपुर का जिला अस्पताल उन्हीं के नाम पर है। वहीं मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे और इनके भाई अफजल अंसारी मौजूदा समय में सांसद हैं और इनके दादा आज़ादी के आंदोलन के नायक भी रहे। गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह है और भी है, वो इस खानदान का गौरवशाली इतिहास है। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल की किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया तो मुख्तार अंसारी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। इनके दादा, इनके नाना नौशेरा युद्ध के नायक थे। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद ही कम लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे और जिन्होंने आप देखते हैं कि 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी बल्कि हिंदुस्तान की जीत भी दिलाई थी। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। और मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति अंसारी परिवार की इस विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुभाउंडा अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। वो उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक कहानी है मुख्तार अंसारी की।